सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में प्राचीन काल से हाथ जोड़कर नमस्कार अथवा नमस्ते करके अभिवादन करने की परंपरा रही है। देखने में तो ये अभिवादन की ये प्रक्रिया सामान्य सी लगती है, लेकिन इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं और यह आध्यात्मिक गुणों से भरी पड़ी है। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। सामने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान जताने के लिए हजारों वर्षों से भारत के लोगों में नमस्ते मुद्रा का प्रचलन है। नमस्ते करके हम अपने भगवान, माता पिता तथा बड़े लोगों को प्रणाम करते हुए आदर व्यक्त करते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति से मिलने और उसे विदा लेने के समय दोनों समय आप नमस्कार कर सकते हैं। आप माने या ना माने, नमस्ते अभिवादन करने का सबसे सात्विक पद्धति है। लेकिन इसके ठीक विपरीत आजकल पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आने के कारण भारत के लोग एक दूसरे से मिलने के बाद अभिनंदन के लिए हाथ मिलाकर हेलो करते हैं या गले भी मिलते हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें शारीरिक संपर्क होता है जिससे किसी भी तरह का बीमारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकता है। या अगर कोई व्यक्ति पहले से संक्रमित हो, अगर उससे आप हाथ मिलाते हैं, उससे गले मिलते हैं, तो संक्रमण आपको भी लग सकता है। तो ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत है। आजकल दुनिया भर में हो रहे संक्रमण के बाद से चिकित्सक यह सलाह दे रहे हैं कि हाथ मिलाकर अभिवादन करने की बजाय आप हाथ जोड़कर यानी नमस्ते करके लोगों का अभिवादन करें, और ऐसा करके आप किसी भी संक्रमण से आसानी से बच सकते हैं। वैज्ञानिकों ने और चिकित्सकों ने नमस्ते और नमस्कार को हर तरह से फायदेमंद बताया है। तो आइए जानते हैं नमस्ते करने के कितने फायदे और लाभ हैं। सबसे पहला, अभिवादन की इस पद्धति के आध्यात्मिक होने के कारण सत्व गुण बढ़ता है और इसके कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ है। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें शारीरिक संपर्क न होता है, जिससे किसी भी तरह का बीमारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। नमस्कार मुद्रा का निरंतर अभ्यास करने से मन शांत रहता है। इससे आपके अंदर दूसरे के प्रति स्नेह का भाव आने लगता है। नमस्ते करना न सिर्फ आपको खुश रखता है, बल्कि सामने वाले को भी सकारात्मक बनाता है। हाथ जोड़कर नमस्कार करना एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो आपको विनम्र बनाता है। इसके अलावा योग विद्या के अनुसार नमस्ते करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का तेजी से संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। इससे क्रोध पर नियंत्रण बढ़ता है और स्वभाव में विनम्रता। इसलिए हाय हेलो की बजाय नमस्कार को अपनाएं। इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरे लोग भी स्वस्थ रहेंगे और किसी भी तरह के संक्रमण से बचे रहेंगे। तो आज से आप जब भी किसी से मिले तो हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर नमस्कार या नमस्ते बोले। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। यह है ज्ञान वर्धित जानकारियों का खजाना। अगर आप किसी तरह की ज्ञान वर्धित जानकारियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।